व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, और हम लोग यहां पर करने वाले हैं जी आप लोगों का सैंपल पेपर। बिल्कुल 24-25 का सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया है, हम इसके सॉल्यूशंस लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर बड़े ही प्यार से इस सैंपल पेपर की परते हैं जिसको हम लोग खोलेंगे। और क्योंकि सैंपल पेपर एक तरीके से वो थप्पड़ है जो सीबीएसई एक्चुअल थप्पड़ यानी कि एक्चुअल पेपर से पहले आपके हल्के से हाथों से मारता है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि सैंपल पेपर कहीं ना कहीं एक इशारा हो जाता है कि भैया आपका जो पेपर आने वाला है इससे कहीं ज़्यादा ऊपर के लेवल का आने वाला है। तो सैम्पल पेपर अगर आप ढंग से कर रहे हो तो दैट इट मीन्स आप बहुत हद तक तैयारी कर चुके हो और अच्छी तैयारी कर चुके हो। अगर आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं सैम्पल पेपर के अंदर, तो और आपको और अच्छी तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका पेपर आएगा मेन वो तो इस लेवल का आएगा, है ना, इससे ऊपर के लेवल का, कहने का मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर ऑफ 24-25 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। आप बच्चे जुड़ चुके हो, और अगर बात करें यहाँ से सैंपल पेपर से स्टार्टिंग करते हुए मेजर चेंजेस की तरफ अगर हम जाएं, तो सबसे पहला जो चेंज है वो तो पहली लाइन में आपको दिख जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो संख्या थी 35 से 37 हो चुके हैं। तो यानी कि हमें तो पहले पेपर में टाइम नहीं मिल रहा था, अब हमें और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अपने पेपर को है जो करना होगा। आजू बाजू कौन बैठा है, कुछ पढ़ रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें पूरे के पूरे जो 3 आवर्स का टाइम मिलेगा ना उसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आपके पास सेक्शंस तो वही है, ए बी सी डी ई सेक्शंस, बस ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि कुछ कह लीजिए आपके पास में जैसे पाइथन विजन टूर है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इंक्लूड हो गए। एक क्वेश्चन जो आपको वर्किंग विद फंक्शन से आता था जिसमें आपको ढूंढना होता था एक आउटपुट, वो क्वेश्चन आपका इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी जो है चेंजेस किए हैं आपके पेपर के अंदर, और जो मेन पेपर आएगा ऑब्वियसली वो इससे कहीं ज़्यादा ऊपर है लेवल का आने वाला है। तो देखो, अब अगर हम ए बी सी डी सेक्शन की बात करें तो पहले सेक्शन में आपके 18 क्वेश्चन से 21 क्वेश्चन है जो कर दिए हैं, ठीक है। फिर आपके पास 7-3 इस तरीके से, लास्ट सेक्शन में आपके पास जहाँ 3 क्वेश्चन आते थे वहाँ अभी 2 ही क्वेश्चन है। तो एक तरीके से मेंटेन भी कर दी है चीज़ें, ठीक है। जहाँ 3 क्वेश्चन थे लास्ट सेक्शन में 5-5 नंबर के, वहाँ 2 ऐड करके और जो संख्या है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दी है। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन आता है आपके पास ट्रू फॉल्स के अंदर से, कहता है कि स्टेटमेंट बता दो ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेटमेंट कहती है कि पाइथन इंटरप्रेटर हैंडल्स लॉजिकल एरर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। लॉजिकल यानी कि लॉजिक में दिक्कत है। आपके टीचर ने आपसे कहा कि आप 2 नंबर को जोड़ करके एक आंसर है जो निकालो, लेकिन जब आप इसको जोड़ रहे हो ना तो आपका आंसर आ रहा है ये। अब दिक्कत कहाँ पर है? बिल्कुल लॉजिक के अंदर आपने दिक्कत की है। आपके टीचर ने आपको कहा कि पीआरटी यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। अब आपने ये करने की बजाय क्या कर दिया, लॉजिक में दिक्कत कर दी, यानी कि आप यहाँ पर प्लस कर बैठे, तो आउटपुट आपको एक्स वाई जेड आना चाहिए था लेकिन आपको आउटपुट आ रहा है PYQ, यानी कि लॉजिक में दिक्कत है। तो लॉजिक में दिक्कत है तो यानी कि लॉजिक के पीछे ही तो भागेंगे ना। तो ये लॉजिक किसने ढूंढना है, हमने ढूंढना है। कंप्यूटर इतना एडवांस नहीं हुआ कि हमें बता दे, हमारा इंटरप्रेटर हमें बता दे कि भाई तुम ये गलती करो। अगर ये बताने लग गया तो फिर हमारी ज़रूरत ही नहीं है ना प्रोग्रामर्स की। तो ये बात बिल्कुल गलत है। लॉजिकल एरर्स हम ढूंढते हैं, ठीक है। रन टाइम एरर्स, सिंटेक्स एरर्स, ठीक है, हमारा इंटरप्रेटर हमें ढूंढ के बता देता है, बट लॉजिकल एरर है जो वो हम ही ढूंढेंगे, क्योंकि हम ही लॉजिक है जो लगा रहे होते हैं। अब ये कहते हैं कि आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। आपके पास में एक स्ट्रिंग दे रखी है, अब आपको एक फंक्शन दे रखा है जिसका नाम है रीप्लेस फंक्शन, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, py को रिप्लेस कर रहे हो हैश के साथ में। तो आप देखो py कहाँ पर है, आपको मिल गया, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाता है जी हैश। तो बस पहले वाला आपके पास में बिल्कुल सही है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट भी करके देखें तो कुछ गलत नहीं होगा इसमें, और थोड़े बहुत चेंजेस करके हम इसको पूरा जानने की कोशिश है जो कर लेते हैं।
ओके सो अब हमने क्या किया, यहाँ पर पी वाई की बात हो रही है तो पी वाई हमारा हैश से हो गया। अब एक काम करते हैं, बीच में भी हम कहीं पी वाई है जिसको हम डाल लेते हैं। अब इससे ये चीज पता चल रही है कि जहां पर भी आपके पास पी वाई एक साथ होगा तो वहीं पर रिप्लेस हो जाएंगी चीज। अब मैं इसमें स्मॉल पी वाई डाल देती हूँ। अब पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो उसको बिल्कुल फर्क है जो पड़ेगा अगर आप छोटा पी वाई डाल रहे हो बड़े पी वाई की जगह, तो वो उसको टोटली इग्नोर कर रहा है। तो इसमें कोई भी आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर पी वाई की जगह हैश आता तो हम क्वेश्चन करते कि ये क्यों हुआ अगर पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। तो यस, आंसर इज पाइथन केस सेंसिटिव है, दैट इज द रीजन पी वाई रिमेन सेम स्मॉल पी वाई, है ना। अब मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर कैपिटल वाई डाल देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमें एग्जैक्टली पी वाई चाहिए, ना कि वाई पी या कुछ भी और, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिप्लेस हो गया। तो अब आपको कुछ चीजें क्लियर हो चुकी हैं। पहली चीज मैम, रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, रिप्लेस कर देता है उस पर्टिकुलर डेटा को जो आपने यहाँ पर लिखा है को इससे, ठीक है। तो ये वाला जो डेटा है आपका हैश जहां पर आ रहा है उससे रिप्लेस है जो चीज हो जाएगी। कुछ गलत नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है। अब जहां जहां पी वाई है वो सारे पी वाई विल बी रिप्लेस्ड, ये भी चीज क्लियर है। अब अगली चीज है कि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, तो कहीं छोटा पी वाई लिखा है तो वो रिप्लेस नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ स्मॉल पी वाई करते तो वो कैपिटल को नहीं करता रिप्लेस, है ना। तो ये वाइस वर्सा दोनों के लिए है। तो आपका जो वो आंसर है दैट इज बिल्कुल, हमने देखा कि मैम हमारा आंसर आ रहा है ए। अब हम अगली चीज पर जाते हैं। कहता है आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवेलुएट्स टू फॉल्स। अच्छा, अब देखिए फॉल्स आपको आंसर किससे आता है अगर आप इसको सॉल्व करते। बट उससे भी पहले मैं बता दूं, आपके पास में यहां पर पहले आता है नॉट, फिर आता है एंड और फिर आता है आपका और। तो मतलब दिस इज द सीक्वेंस कि पहले कौन सॉल्व होगा। तो मैंने जैसे ही नॉट लिखा तो आपने ये चीज नोटिस कर ली कि मैम इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी फॉल्स, एंड इधर आ गया आपके पास में फॉल्स। तो मतलब इससे आपका आंसर आना चाहिए क्या, फॉल्स, तो जो आपसे पूछा है। चलो आपके कहने पर आगे वाली चीजें भी देख ली जाए। कहता है यहां पर ट्रू है, यहां पर फॉल्स है, क्योंकि बीच में और है तो आंसर विल बी हमारा ट्रू ही आएगा, ठीक है। गलती से मैंने एफ लिख दिया, बट आंसर इज ट्रू है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बट इससे पहले अगर ये कहें तो ये फॉल्स एंड ट्रू, तो आंसर विल बी हमारा फॉल्स, लेकिन क्योंकि तो बाहर नॉट लगा है, दिस इज द रीजन कि आपका आंसर रिवर्स उल्टा हो जाएगा और फॉल्स से ट्रू हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर कौन होगा सबसे पहले सॉल्व, ये होगा द रीजन इज दिस, ठीक है। तो नॉट का आया आपके पास में ट्रू, और ट्रू और ट्रू क्या हो गए, ट्रू। तो यानी कि बी सी और डी में से आपको ट्रू आंसर आ रहा है और यहां से आपको फॉल्स आ रहा है जो कि पूछा था, तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। अब आगे चलते तो कहता है कि एक स्ट्रिंग में एक डेटा रखा हुआ है जो कि क्या है, इंटरनेशनल। अब आप स्प्लिट करते हो तो स्प्लिट जो फंक्शन है वो आपको हमेशा लिस्ट में आंसर देता है, इसी के जैसा एक और फंक्शन है पार्टीशन जो आपको ट्यूपल में आंसर देता है। तो जैसे ही आपने देखा तो आप कहोगे कि ये दोनों आपके ऑप्शन सही है, इन दोनों को आप रास्ते से हटाओ। अब आप कहते हो कि स्प्लिट करो एन से, तो ये चीज आपको पता है कि स्प्लिट जब भी आप लगाते हो तो जहां जहां एन है वहां वहां आ जाएगा कॉमा। तो आई कॉमा टी ई आर कॉमा फिर ए टी आई ओ कॉमा ए एल, बस ये जहां पर लिखा है दैट इज आपका आंसर, यानी कि ये। अगर यहाँ पार्टीशन होता तो पार्टीशन में हमारे पास में कॉमा से एक इस साइड में पार्टीशन हो रहा है, एक उस चीज का पार्टीशन जैसे n है तो n का खुद का पार्टीशन, और एक इस साइड में राइट साइड में पार्टीशन हो रहा है। तो मतलब कहने का कि अगर यहाँ पार्टीशन होता तो आपके पास में पहले तो ये n देखा जाता, इसका एक अलग से पार्टीशन है, i का अलग से, इसके बाद जितनी चीजें बची हुई उनका अलग से पार्टीशन हो जाता। तो मतलब टोटल आपके पास तीन एलिमेंट रहते अगर आप पार्टीशन कर रहे होते यहाँ पर। और दूसरी चीज, पार्टीशन के अंदर आपके पास ट्यूपल में आंसर है जो आपका आता है, ठीक है। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कुछ और चीजें। ओके सो आपके पास, आपको ये चीज समझ में आ गई कि जहां जहां एन लिखा होगा वहां वहां आपके पास में क्या हो जाएगा,
कॉमा है जो आ जाएगा। अब इसको बेहतर समझने के लिए इसमें कुछ चेंज क्यों ना कर दें, आप टी लगाओगे तो जहां जहां इस टी वहां वहां कॉमा आ जाएगा। अब देखो इसमें एक और ये भी चीज है कि अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं देते हो, लिसन टू मी केयरफुली, अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं देते हो तो ये स्पेस को मान लेता है और वहां से स्प्लिटिंग करता है। बट हमारे पास क्योंकि तो यहाँ पर एक ही स्ट्रिंग है, एक ही वर्ड है, तो उसका क्या ही तो स्प्लिट करेंगे, क्योंकि देर इज नो स्पेस। अब काम करते हैं कि यहाँ पर एक स्पेस दे करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, तो अब जहां स्पेस है वहां कॉमा आएगा, बाकी जगह आपकी स्प्लिट हो जाएगी। अब देखते हैं अगली चीज, और स्प्लिट की जगह अब मैं यहाँ पर लेकर के आती हूँ किसको, पार्टीशन फंक्शन को। अब पार्टीशन फंक्शन, पहली चीज की अगर मैं इसके अंदर कुछ नहीं दूंगी और इसको चलाऊंगी तो ये एरर दे देगा। स्प्लिट में तो क्या था कि अगर आप बीच में कुछ नहीं देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट स्पेस जो आएगा उस पर कॉमा लगा देगा, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर n दे देती हूँ एग्जैक्टली जो हमारे पास स्प्लिट के टाइम पर, जो हमारे एक्चुअल क्वेश्चन में था। अब यहाँ पर तीन टुकड़ों में चीजें बट गई हैं। पहली क्या है कि n को देखेगा तो n का खुद का पार्टीशन आ गया, और एक इससे लेफ्ट में और एक इसके राइट में पार्टीशन हो गया, ठीक है। और इसका आंसर आया आपके पास में ट्यूपल में। तो कभी आपको पार्टीशन और स्प्लिट में कोई डिफरेंस भी आता है तो आप इस तरीके से उसके डिफरेंट को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बिल्कुल है, जो होने वाला है, वो है बी। अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए हमें समझ में आया कि अब हमसे पूछा गया है यहाँ पर स्लाइसिंग का फंडा। अब आप एक चीज नोटिस करो, आपको कितने क्वेश्चन है जो मिल चुके हैं, कहाँ से, पाइथन रिवीजन 2 से। तो मेरी हर क्लास में मैं ये चीज बोलती हूँ कि पाइथन रिवीजन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको आप प्लीज स्किप मत करिए, करके जाइए। अगर मैं आपसे कह रही हूँ पाइथन रिवीजन 2 इंपॉर्टेंट है, और आप इसके क्वेश्चन देख रहे हो आपके सैंपल पेपर के अंदर, और ये चीज जानते हुए भी अगर आप छोड़ करके जाते हैं ना, तो हाँ इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं, और हम ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे हमारे एग्जाम से पहले। अब पांचवा क्वेश्चन कहता है आपसे कि आपके पास में एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब आप स्टार्टिंग कर रहे हो -2 के साथ में, देखो इसमें आपके पास कोई MCQ नहीं है। अब आप ढूंढो -2 कहाँ पर है, आप कहते हो -2 यहाँ पर है हमारा C के पास में, ठीक है। C के पास मतलब C इज -2। अब आपको कहाँ जाना है, अंत तक जाना है, लेकिन क्योंकि तो स्टेप नेगेटिव है, तो अब आप नेगेटिव स्टेप की वजह से राइट टू लेफ्ट चलोगे। तो यानी कि आप यहाँ से शुरू हुए कहाँ से, C से, दो है इस वजह से एक एक छोड़ करके, यानी कि E, फिर P छोड़ करके यानी कि स्पेस, फिर D छोड़ करके यानी कि L, फिर R छोड़ करके यानी कि W। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आपके पास आ जाना चाहिए। तो मतलब हमारे पास हम कहेंगे C, E, स्पेस, L और W, ठीक है। तो अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, आपको ये चीज जानने की जरूरत है। नेगेटिव स्टेप्स का मतलब है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और स्टार्टिंग पॉइंट इसने -2 बोला था, यानी कि यहां से हमारे पास आ रहा है सी ई, और हाँ W नहीं आना चाहिए था, एक सेकंड रुको, W नहीं आना चाहिए था, O आना चाहिए था। यहाँ मैंने नोटिस इसको एरो तो सही बनाया, लेकिन W की तरफ देखते हो W लिख दिया, आई नीड टू राइट O देयर, ठीक है। तो आप ऐसी गलती नहीं करोगे, खैर आप दो तीन बार चेक करके आओगे ऑफकोर्स, है ना। तो सी ई स्पेस एल और W, सॉरी O आपके पास में आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं देती हूँ तो ऑब्वियसली आपका क्या आएगा, ई से स्टार्ट होकर के ई ए पी डी इस तरीके से एक एक छोड़ करके आपका प्रिंट है जो हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर देते हैं -1, तो ये चीज पता है आपको कि अब आपकी पूरी स्ट्रिंग है जो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्लाइसिंग का प्रश्न था, ओके। अब चलते हैं आगे, अब आगे वाले क्वेश्चन में गए, तो आगे वाले क्वेश्चन में दे रखा है जी एक ट्यूपल, हमने कहा बहुत बढ़िया। अब ट्यूपल के अंदर आपके पास में क्या चीज है, लेट मी इरेज एक बार। तो अब देखिए इसके अंदर क्या चीज आ रही है, आपके पास एक ट्यूपल है, आपने ट्यूपल को कॉपी किया दूसरे ट्यूपल के अंदर, और फिर आपने क्या किया, एक ट्यूपल लिया और
उसके अंदर आपने कोई दूसरा ट्यूपल प्लग कर दिया। तो जब हम देखो 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 ध्यान से सुनो, कुछ चीजें हैं जो क्लियर हो जानी चाहिए। देखो अगर इधर एक ट्यूपल है और आप प्लस कर रहे हो तो इधर भी एक ट्यूपल होना चाहिए। अगर एक इधर लिस्ट है और इधर भी एक लिस्ट होनी चाहिए जब आप प्लस कर रहे हो। अगर इधर एक स्ट्रिंग है तो इधर भी एक स्ट्रिंग होनी चाहिए जब आप प्लस कर रहे हो। इसको बोलते हैं कंकैटिनेट करना, ठीक है। ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर है, इसमें कोई दोहराए नहीं। अब हम टुकड़ों में बांट करके इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे। क्या चीज बोली हमने, हमने बोला ये, ठीक है। तो ट्यूपल वन के अंदर आपके पास में क्या है, ट्यूपल वन के अंदर आपके पास डेटा है 1, 2, 3, ठीक है मैम। अब आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, इस चार को कॉन्कैट कर रहे हो, तो मतलब आपके पास हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये किसके अंदर हो गया, आपके पास ट्यूपल वन के अंदर हो गया। अब एक चीज आपको मैं बताऊं, अब इसमें अगर आपके पास में एक लिस्ट होती तो लिस्ट को हम कॉपी कर सकते थे इक्वल्स टू के थ्रू, आप कॉपी मेथड के थ्रू, आप स्लाइसिंग के थ्रू, आप लिस्ट फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप लिस्ट फंक्शन, पहले तो क्या करते हैं, एक बार मैं आपको इस कंसेप्ट को एक बार टुकड़ों में समझाती हूँ। जैसे अगर आपके पास में एक लिस्ट है और लिस्ट का डेटा हम यही रख लेते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास में एक लिस्ट वन है, ठीक है। अब लिस्ट टू के अंदर मैंने लिस्ट वन को कॉपी किया। अब मैंने क्या किया, लिस्ट वन के अंदर, ठीक है, जोड़ दिया, यही वाला कंसेप्ट जो अभी अपना है। तो मैंने क्या किया, प्रिंट लिस्ट वन को, प्रिंट लिस्ट टू को मैंने क्या करा, प्रिंट कर दिया। अब देखो क्या चीज़ हो रही है, ये हो गई आपकी एक्चुअल में आपकी जो लिस्ट थी, जो आपने क्या किया L1 को L2 में शिफ्ट किया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इन दोनों का जो एड्रेस है ना वो क्या हो गया, सेम है। तो मतलब ये दोनों ऐसी सगी बहनें बन गई कि एक के थप्पड़ मारो दूसरी के दर्द होगा, दूसरे के मारो पहली के दर्द होगा, ठीक है। तो आपने लिस्ट वन में अगर कोई चेंज किया तो वो लिस्ट टू में रिफ्लेक्ट होगा, और लिस्ट टू का चेंज विल बी रिफ्लेक्टिंग यू इन लिस्ट वन के अंदर, लिस्ट वन का लिस्ट टू में, लिस्ट टू का लिस्ट वन के अंदर। अब अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ इस तरीके से L1, और मैंने यहाँ पर स्लाइसिंग मेथड से किया, तो यहाँ पर इन दोनों के एड्रेस अलग अलग हैं जो होने वाले, इस वजह से डेटा आपके पास अलग अलग होगा। अब तीसरा तरीका मैं बता रही हूँ, तीसरे तरीका है आपके पास में, जैसे मैंने कहा L1 डॉट और आपके पास कॉपी फंक्शन है जो यूज होगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, L1 को कॉपी करा कॉपी फंक्शन के थ्रू, तो भी हमारा एड्रेस क्या है, डिफरेंट रहता है। अब एक और है हमारे पास में जो कि है लिस्ट फंक्शन, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर मैंने L1 को डाल करके किया, इस मेथड से भी आपका एड्रेस अलग अलग रहेगा। तो मतलब एक ही आपके पास में मेथड है इक्वल्स टू ऑपरेटर का, अगर आप इक्वल्स टू का यूज करते हो तो ही सिर्फ क्या होता है कि एड्रेस सेम होने की वजह से एक में चेंज दूसरे में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब वापस से इसको उसी शेप में लेकर के आते हैं, बट म्यूटेबल की जगह अब मैं एक इम्यूटेबल ले आती हूं। इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर आप, वैसे इसमें मेरे को एरर आ गई, एरर वही आई जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, जब आप प्लस करोगे तो इस साइड लिस्ट है तो इस साइड भी लिस्ट होनी चाहिए, जो मुझे इसको लिस्ट बनाना चाहिए, ठीक है, ओके। तो अब मैं इसको कर रही हूं, अब देखो जो मेरे पास लिस्ट वन का डेटा है वो लिस्ट टू में नहीं है। तो अब हम चलते हैं यहां पर, अब हम यहां पर देखो इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो इक्वल्स टू ऑपरेटर तो वैल्यू देखता है, एड्रेस नहीं देखता। एड्रेस के लिए अगर आना होता तो इज लगता है यहाँ पर, बाय द वे उस केस में भी हमारे पास फॉल्स ही आता, तो मतलब आर आंसर इज हेयर, दैट इज व्हाट फॉल्स हमारे पास। तो बी के साथ हम लोग जाएंगे, अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन को समझना तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ और भी जितनी सारी चीजें आपके पास में आ रही है उन सारी चीजों को समझना जरूरी, क्योंकि पेपर में ऐसी नहीं, इससे रिलेटेड चीजें आएंगी। तो कहता है कि एक आपके पास में क्या है, एक माई DICT करके एक डिक्शनरी है, ओके। तो ये दे रखी है आपके पास में माई DICT डिक्शनरी। अब कहता है कि आपको क्या करना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग
विल रेज एक एक्सेप्शन कहां पर जनरेट होगा? देखो ध्यान से, अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर गेट फंक्शन किया, ऑरेंज मैंने लगाया तो ऑरेंज मिल गया, यानी कि इसमें आपको 30 आंसर आने वाला है कि ऑरेंज मिल गया। अब बिल्कुल ये वाली चीज है जो बिल्कुल गलत लिखी है, आप ऐसे तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। बाय द वे इसमें आप एप्पल डाल रहे हो तो ये रिप्लेस हो जाएगा 10-20 से, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा, लेकिन कौन सा होगा, कीज का डेटा कन्वर्ट होगा। अब बचा जो बी है वही आपका आंसर है, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, हम हर एक चीज को क्यों ना एग्जीक्यूट ही करके देख लेते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको प्रिंट करती हूं, तो अब आपको सीधा दिख रहा है कि ऑरेंज की वैल्यू है जो गेट हो रखी वो आपको यहां पर मिलेगी। अगर मान लीजिए मैंने ऑरेंज की जगह कुछ मैंने लिखा होता, मान लीजिए एप्पल, एप्पल तो है इसमें, मैंने मान लो पॉप लिखा होता, तो अब इस केस में गेट आपको नन आंसर रिटर्न करता है। और अगर आप नन नहीं चाहते हो तो मैंने यहां पर लिखा नॉट फाउंड, तो मतलब अब इस केस में आपके पास नॉट फाउंड आ जाएगा। कोई एक्सेप्शन जनरेट हुआ? नो मैम। ओके, तो गेट का यूज भी हमने अलग अलग तरीके से समझ लिया है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट, एंड अब प्रिंट के अंदर क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ मैंने दो एलिमेंट दिए तो ये नहीं हो सकता। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये हमें कहेगा की एरर, भाई ऐसा नहीं हो सकता, मतलब एक साथ आप दो को नहीं ढूंढ सकते। तो ये तो हमारा, खैर हमने आंसर पहले ही डिसाइड कर लिया था। अब हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं एंड, प्रिंट तो नहीं करना खैर, क्योंकि यहाँ नीचे हमें प्रिंट कर लेते हैं क्या, माई डीआईसीटी, है ना। तो अब पुरानी वैल्यू नई वैल्यू से रिप्लेस हो गई, यहाँ पर 20 आ जाना चाहिए था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं और हम क्या करेंगे, प्रिंट। तो हमारे पास देखो ये क्या है, एक स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। ओके, अब ये स्ट्रिंग बन चुका है तो ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं चाहूँ कि इसका जीरोथ नंबर मुझे देखना है तो आई थिंक ये होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सारा ही स्ट्रिंग बना लिया इसने, ठीक है। और अगर मैं कहूँ इसका -1 तो भी आपके पास करली ब्रैकेट ही आएगा, बट क्लोजिंग करली ब्रैकेट आपके पास आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो आपका आंसर इज यहाँ पर बी हो चुका है, ठीक है। अब चलते आगे, कहता है कि व्हाट डज द लिस्ट डॉट रिमूव मेथड डू इन पाइथन। तो रिमूव मेथड क्या करता है, फर्स्ट अक्रेंस जो भी आपकी लिस्ट के अंदर आ रही है उस आइटम की जिसको आप रिमूव करना चाहते हो वो रिमूव कर देता है, ठीक है। तो रिमूव द एलिमेंट एट इंडेक्स नहीं, फर्स्ट अक्रेंस बिल्कुल हमारा आंसर यहाँ बी सही है, ऑल अक्रेंस नहीं है, फर्स्ट अक्रेंस आपकी रिमूव होती है रिमूव फंक्शन के अंदर। एक काम करते हैं कि इस फंक्शन को भी करीब से समझ लेते हैं। अब मैंने यहां पर लिस्ट और x की जगह लेट गिव देयर 22 और एक काम करते हैं, ठीक है। और अब लिस्ट को फर्स्ट अकरेंस जहां पर भी 22 का होगा दैट विल बी डिलीटेड बट रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट विल बी रिमेन सेम, ठीक है। तो रिमूव क्या करेगा, फर्स्ट अकरेंस, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही था। अब ये एक्चुअली पेपर मैंने काफी नहीं, मैंने पूरा पेपर सेक्शन ए सॉल्व करा दिया था, उसके बाद मुझे पता चलता है कि वीडियो थोड़ी सी सही से नहीं बनी, आवाज आगे पीछे है जो हो रही थी, तो चलिए यहाँ से करते हैं। अब इस बीच मुझे एक और चीज़ पता चलती है और वो ये चीज़ पता चलती है कि आपका सैम्पल पेपर जो मैं करा रही थी उसके बाद में मतलब वो जो सैम्पल पेपर था वो मैंने डाउनलोड किया CBSE की वेबसाइट से। अब CBSE से मैंने वो डाउनलोड कर लिया और उसके बाद में CBSE ने अपने सैम्पल पेपर को चेंज भी किया और इसका जीता जागता सवाल यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि मैं जो लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन करा रही थी वो ट्यूपल के अंदर से था और यहाँ पर आपके पास में जो क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने 9 नंबर दे रखा है, मतलब इन्होंने डेफिनेटली अपने
सैम्पल पेपर को दोबारा से चेंज किया है एंड तो चलिए फिर कर ही लेते हैं। अगर चेंजेस वाला है तो ये वो वाला है जिसको आप डाउनलोड करेंगे अभी। ओके तो मैंने खैर दोनों ही रख लिए हैं, अभी बच्चों को वो वाले क्वेश्चंस भी कराना है, हम और देखेंगे क्या चेंजेस हैं जैसे जैसे मैं कराती जाऊंगी। बाय द वे चलिए रीस्टार्ट करते हैं चीज़ों को। कहते हैं कि इफ अ टेबल विच हैज़ वन प्राइमरी की, ठीक है, और दो अल्टरनेट की। अल्टरनेट की वो कीज है जो प्राइमरी की बन चुकी हैं और उसके अलावा जो बची हुई आपके कैंडिडेट कीज होंगे, है ना, तो वो आपकी अल्टरनेटिव कीज होगी। तो टोटल आपके पास तीन हो गए, है ना। जैसे मान लीजिए एक रोल नंबर है, एक आधार है और एक नेम है और एक फोन नंबर है एंड एक सिटी है। तो इसमें से ये और ये तीन यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकती है, तो तीन आपके कैंडिडेट कीज होंगे। इसको आपने बना दिया प्राइमरी की, तो ये पीछे क्या बच गई, ऑल्टरनेट की। तो टोटल कितनी कैंडिडेट की हुई, तीन, है ना। बिल्कुल जी मैम। चलिए अब ये कहता है कि मिसिंग स्टेटमेंट को आप यहाँ पर फिलअप करिए, और कहता है कि मूव द फाइल पॉइंटेड टू द बिगनिंग ऑफ द फाइल। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है टेल। टेल क्या करता है, टेल मतलब नाम की तरह बताता है मैम, क्या बताता है, फाइल की पोजिशन बताएगा ऑब्वियसली, है ना, मतलब फाइल पर आपकी पोजीशन कहाँ पर है। अब हमें पहुँचानी है मनचाही पोजीशन पर अपने फाइल पॉइंटर की पोजीशन को, तो हम सीक फंक्शन का यूज़ करेंगे। मनचाही पोजीशन जीरो है तो आप क्या करेंगे, सीक के अंदर जीरो डाल देंगे। बाय द वे क्या करने वाले हैं, डेटा डॉट सीक और उसके अंदर आप जीरो डाल देंगे। अगर आप कॉमा जीरो भी डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो वन और टू मतलब इसमें मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो होता है। मतलब कहने का अगर मैं जीरो कॉमा जीरो डालूंगी या फिर अकेला जीरो डालूंगी तो ये दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ बाय डिफॉल्ट जीरो ही होता है। जीरो का मतलब होता है बिगनिंग में पहुंचा देना आपके फाइल पॉइंटर की पोजीशन, ठीक है। चलिए और वैसे यहाँ जीरो की जगह वन आ सकता है, वन मतलब आप जहाँ पर हैं वहां से आगे आपको आपकी फाइल को पहुंचाना, और दो का मतलब होता है एंड में लेकर के जाना है आपके फाइल पॉइंटर की पोजीशन को, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, अगले सवाल की तरफ करेंगे। फाइनली ब्लॉक की बात करता है कि फाइनली ब्लॉक इन पाइथन इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ नो एक्सेप्शन अकर्स इन ट्राई ब्लॉक। देखिए फाइनली आपका चलना ही चलना है, चाहे आपकी एक्सेप्शन आए या ना आए, तो ये बिल्कुल फॉल्स बात है जो यहाँ पर बोली। ऊपर वाला भी खैर आई थिंक फॉल्स ही था। कहते हैं कि विच विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ओके तो आपके पास में एक प्रश्न है जिसमें ऐड को कॉल किया गया है, ठीक है। इसमें मैं बता दूं आपके पास ये क्या है, ग्लोबल है। कीवर्ड कहता है कि अब आप जो भी चेंजेस करोगे सी में वो आपके ग्लोबल में हो जाएंगे। तो सी में ऑलरेडी आपके पास 10 था, 10 में आपने दो जोड़ा तो ये भाई साहब हो गए 12। तो यानी कि सी की नई वैल्यू क्या हो गई, 12। तो आप जब प्रिंट कराओगे तो 12 हैश प्रिंट हो जाएगा। अब आप जब बाहर आओगे तो दिस इज आपका बाहर की साइड है एंड ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक तरीके से अपने ग्लोबल को चेंज किया हुआ है। तो सी 15 है, तो आपका 15 और परसेंट जहाँ पर लिखा हुआ है वो आपका आंसर है, तो यानी कि सी आपका आंसर है। हैश लगा हुआ है ये ध्यान दे लेना, ठीक है। जल्दबाजी में हम लोग देखते नहीं हैं, ठीक है। ओके अब आगे चलते हैं। कहता है कि विच एसक्यूएल कमांड कैन बी चेंज द डिग्री। डिग्री मतलब हम टेबल के एट्रीब्यूट्स यानी कि कॉलम्स की बात कर रहे हैं। कार मतलब रो, ठीक है, कार्डिनालिटी। तो हम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो आप डीडीएल की ऑल्टर कमांड के थ्रू ये चेंजेस पॉसिबल कर सकते हैं। ओके कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। तो आपके पास में क्वेरी दे रखी है, कहता है कि स्टार यानी कि सारी ही सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रिंट करानी है, ठीक है। ओके तो आप इसलिए इन दोनों ऑप्शन को तो निकाल दो, क्योंकि नेम नहीं प्रिंट कराना, मतलब नेम नहीं आपको बताना, आपको सारी डिटेल्स बतानी है। कहता है कि ऐप परसेंट, तो यानी कि वो ऐप भी हो सकता है और ऐप से शुरू तो होगा ही होगा सर, ठीक है। तो यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। कहता है कि इन विच डेटा टाइप द वैल्यू स्टोर्ड इज पैडेड विद स्पेसेस। देखिए क्या होता है, एक होता है कैर, एक होता है वैर कैर। ये होता है जी फिक्स, यानी कि सलमान खान एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी, उसके बाद हम किसी की नहीं सुनते, बट ये होता है हमारी तरफ, ठीक है। तो पैडेड विद स्पेसेस टू फिट, यानी कि एक बार जो आपने फिक्स कर दिया अब वो स्पेस आपके रहते ही रहते हैं। जैसे अगर आपने 20 का करेक्टर कर दिया, तो आप अगर राम लिखोगे ना,
बाकी के जो बचे हुए हैं उसका ऐसा नहीं कि कहीं और यूज हो जाए, तो 20 के 20 आपका पूरा ये फिक्स लेगा ही लेगा। कहते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन यूज टू फाइंड द कार्डिनैलिटी, यानी कि रोज को फाइंड करेगा सम, सॉरी काउंट, सम आपका सबको जोड़ेगा, एवरेज आपका एवरेज निकालेगा, मैक्सिमम आपका मैक्सिमम निकालेगा, काउंट आपके टेबल में कितनी रोज हैं उसको फाइंड कर रहा होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है आपका, यहाँ पर यूज होगा फाइल, देखो पढ़ते ही अपने आप से मुंह से निकला फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि फाइल ट्रांसफर के लिए यही यूज होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर इसकी फुल फॉर्म है। अब ये कहता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका आप यूज करते हो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, तो आप गेटवे का यूज करते हो। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का यूज होता है एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग के लिए। स्विच हम अपनी नोट्स को कनेक्ट करते हैं। रिपीटर यानी कि हम रिपीट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं उन वीक हुए सिग्नल्स को, ठीक है। विच स्विचिंग टेक्निक ब्रेक्स डेटा इंटू स्मॉलर पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन। ओके, तो नाम में काम छुपा है, पैकेट स्विचिंग की बात हो रही है। सर्किट स्विचिंग होता है, मैसेज स्विचिंग होता है, हम पैकेट स्विचिंग की बात कर रहे हैं। 20 और 21 नंबर क्वेश्चन आपका अजर्शन और रीजनिंग का है। कहता है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इन पाइथन फंक्शन मस्ट बी पास्ड द एग्जैक्ट ऑर्डर इन विच दे आर डिफाइंड इन द फंक्शन सिग्नेचर। दो चीजें हैं, फंक्शन की कॉल है, ठीक है, और फंक्शन की डेफिनेशन है। यहां से मैंने 1 और 2 को भेजा तो वहां पर उतने ही आपके पीफ और पोजिशनल होने चाहिए। तो ये यही बात कह रहा है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इन पाइथन फंक्शन मस्ट पास इन एग्जैक्ट ऑर्डर। तो यहां पर आप दो वैल्यूज को पास कर रहे हो तो इधर भी दो ही कैच करने वाले वेरिएबल्स होने चाहिए। अगर आपने इधर 3 को किया है तो इधर आपको एक और वेरिएबल डालना पड़ेगा जिसमें ये 3 आपका रिसीव होगा, ठीक है। तो मतलब जितने कॉल के अंदर वेरिएबल वैल्यूज भेज रहे हो उतने आपके रिसीवर टाइम पर यानी कि फंक्शन डेफिनेशन में आपके वेरिएबल्स डिफाइन होने चाहिए, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, तो मैं ट्रू के साथ जाऊंगी, ट्रू एंड ट्रू। तो यानी कि ये हम काट देते हैं। अब ये कहते हैं कि दिस इज बिकॉज पाइथन फंक्शन ऑटोमेटिकली असाइन नहीं, ऑटोमेटिकली तो नहीं होता है, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं, आपको डिफाइन करनी पड़ती है वैल्यूज, ठीक है। तो अगर हम इसको, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर डेफ एक्स वाई जेड एक फंक्शन बना लेती हूँ, ओहो, तो एक्स वाई जेड, और मैंने यहाँ पर किया कुछ भी प्रिंट कर देते, अब मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड को कॉल करूंगी, तो मैंने कहा 9, 6, 5, तो अब देखो ये अंडरलाइन हो गए क्योंकि यहाँ पर उतने ही आपको वैल्यूज भी रिसीवर के तौर पर बनानी चाहिए, ठीक है। पी फॉर पोजिशनल पहले होते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो बी इज इक्वल्स टू और सी इज इक्वल्स टू। अब बी और सी में ये वैल्यू जाएंगी तो पोजिशनल हमारे पहले ही आएंगे, तो ये हमारा ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। तो सी के साथ हम जाएंगे क्योंकि ट्रू तो है लेकिन रीजन गलत है इसका। A select command in SQL can have both where and having clause. Yes, बिल्कुल बिल्कुल सही है। Where and having clause are used to check condition. Therefore, these can be used interchangeably. तो बिल्कुल भी नहीं है, हम interchangeably use नहीं कर सकते, तो एक दूसरे का जो importance है वो कैसे रहती है। Having का use होता है group by के बाद, उस condition के ऊपर condition apply, मतलब उस ग्रुप बाई के बाद जो टेबल आती है उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के लिए, वेयर हमारा पूरी टेबल के ऊपर कंडीशन अप्लाई करता है। खैर, हम लोग मिलेंगे अब सेक्शन बी के अंदर। थैंक यू सो मच, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी है जो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। बाय।